शहर के अजमेरी गेट स्थित वंशी भवन में गुरुवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा शुभारंभ से पूर्व मधुकाशिन मंडल की ओर से आयोजित कथा के शुभारंभ से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। शहर के सूरजपुल गेट बाहर स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर से बैंड बाजों के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मंगल कलश लेकर शिरकत की। विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाएं मंगल गीत गाते हुए नृत्य करते हुए चल रही थी। इस दौरान मधुर काशिन मंडल के सदस्य हरि कीर्तन करते हुए चल रहे थे। प्रसन्न गणपति मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा सूरजपुल गेट या चौक भारत माता सर्किल महादेव जी की छत्री फतेहपुरिया चौपड़ होते हुए कथा स्थल वंशी भवन पहुंची। कलश यात्रा में कथावाचक संत स्वामी रजनीशांत जी महाराज वृंदावन भी शामिल थे। कलश यात्रा का मार्ग में शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के वंशी भवन पहुंचने के बाद कलश स्थापना की गई। इसके बाद संत रजनीश चंद महाराज ने उपस्थित श्रोताओं को कथा रसपान करवाते हुए श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया। कलश यात्रा में मधुर काशिन मंडल के रमेश चौहान, करण सिंह, ओम प्रकाश पालड़िया, छोटूलाल गहलोत, पवन कुमार गोयल, श्रवण गर्ग, मोहित गर्ग, कांतिलाल डाणी, मानक डाणी, नेमीचंद कुमावत सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल थी।